राधे श्याम सेन की कहानी उन्हीं के गांव के जनता की जुबानी। आज हम ग्राम पंचायत मुलाउदी में आए हुए हैं और यहाँ के हम सरपंच और गांव वाले के साथ से सुनेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। उनसे पूछिए क्या समस्या आ रही है आपको पंचायत में। हमारी कागज नहीं है, वो पैसा नहीं लग रहा है, कोई ही नहीं ले रहा। दिखाया कौन नहीं ले रहा आपके कागज? सेक्रेटरी। क्या नाम है सेक्रेटरी का? हम नहीं जाने, नहीं जानते। शक्ल ही नहीं देगी अपन। मैंने देखिए मुझे जब वो लोग खर्चा पाई हुई वो बस क्या। हम ग्रामीणों से बात कर रहे थे और हमारे मुख्यमंत्री जी एक तरफ कहते हैं प्रदेश में गंगा बहाने की बात करते हैं और कहते हैं मैं डंडा लेकर निकला हूँ और जो भ्रष्ट अधिकारी होगा उनको मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन एक तरफ से सेक्रेटरी ग्रामीणों को सुनता नहीं है और कहता है कि खर्चा पानी लगेगा। खर्चा क्या बोलता है आपसे? क्या बोला आपने कभी बात करी? मैं शक्ल नहीं देखी साहब, जो बाकी नहीं। और भैया जे आपको क्या समस्या आ रही? जी सर, इसका पिताजी एक्सपायर हो गया है। अच्छा, इसको उसकी जो सहायता राशि होती है उसके खर्च की जो भी होती है, लकड़ी का पैसा भी नहीं मिला है। अब जब उनसे बात करते हैं तो कोई फोन नहीं उठाता है। सरपंच सेक्रेटरी को कह के बार बार अवगत कराया, लेकिन फिर भी उनका उसके बावजूद भी पूरा परिजन परेशान है कि बच्चा छोटा मामूली छोटा छोटा बच्चा छोड़ गया है। अब इसका बताइए, फादर को एक्सपायर हुए 3 तारीख को एक्सपायर हुआ है तो अभी तक कोई सहायता राशि नहीं मिली? कोई भी उसको 5,000 जो लकड़ी के मिलते हैं वो भी नहीं दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरफ एक गरीब व्यक्ति है, कोई इनका फादर एक्सपायर हो चुके हैं, फिर भी सेक्रेटरी द्वारा 1 रुपये सहायता राशि सरकार तरफ से नहीं दिलाई और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर आखिरकार कार्रवाई की कब? लेकिन सवाल तो प्रशासन पर ही बनता है, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपसे एक सवाल मेरा ये है कि आपकी पंचायत में जो काम नहीं हो रहे हैं सरपंच द्वारा नहीं हो रहे हैं, सेक्रेटरी द्वारा नहीं हो रहे? नहीं, मास्टर द्वारा नहीं हो रहा, सेक्रेटरी द्वारा नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ सरपंच तो साथ कर रहा है, सरपंच कह रहा हूँ साहब मैं सिस्टम मास्टर भी ज्यादा तैयार हूँ, मास्टर ज्यादा तैयार हो रहा है। वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है, बच कारण की हम कैसे बढ़ावे की जिनकी तब हम कागज। आपने सेक्रेटरी को कभी कॉल लगाने की? खूब आज 10 कॉल करिए, मैंने खुद मैंने नाम बता सकते, नाम तो सुना होगा आपकी पंचायत श्याम। अच्छा, पंचायत में आते हैं नहीं आते हैं? पंचायत में आते हैं कभी? नहीं, देखी थी मैंने। अच्छा, तो मेरे खूब चर्चा भाई थी भाई, हमने शक्ल ही नहीं देखी। मैंने कही हमारी 4-5 बैठे बानी आई, मैंने कहा यार हमें दूर से आए रंगत वो हमें मत भगाओ, नहीं कहीं तुम जाओगे तुम तो कहीं जा सकते। कुछ मेलाएं भी करी है, मेलाओं से भी थोड़ी बातचीत करेंगे। क्यों आपके जो लाडली कोहना योजना के जो फॉर्म भरे हो रहे हैं वो फॉर्म भरे हो गए या नहीं हो? सेक्रेटरी को जानते हैं आप? नहीं जाने। सेक्रेटरी एक बार आज चले गए थे। सेक्रेटरी क्या बोलता है आपका? कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ, जाओ भाई। ट्रैक्टर मांगते हैं, आप देख सकते हैं महिलाओं का कहना है कि हम दिन भर बैठे रहे, फिर भी सेक्रेटरी ने इनसे कहा कि आप जाइए काम नहीं होगा, आप बने रहिए हमारे साथ। अब हम सरपंच साहब से भी चर्चा करेंगे इस विषय में। आप हम यहाँ के सरपंच हैं जो कि मुलाउदी पंचायत के, हम पूरी बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है? मेरा नाम फ्रेंड यादव। और सरपंच आप हैं और कोई? नहीं, मेरी मुझे धर्मपत्नी मतलब भरत कुमार यादव। अच्छा, जैसा कि सरपंच साहब आपके हम ग्रामवासियों से हमने लोगों से चर्चा की तो आपकी पंचायत में कई अन्य आरोप लगाए, हमने कई जैसे आरोप लगाए तो आप कुछ बता सकते हैं? मैंने मतलब मेरा भुट्टा ही फोन नहीं उठा रहा है मेरे पास, ग्राम फोन नहीं उठा रहा हूँ। सेक्रेटरी राधे श्याम से है। अच्छा, 3 दिनों से मैं फोन लगा रहा हूँ और मैंने सीओ साहब को भी आज कॉल करके बात बताई कि जनता परेशान है, सेक्रेटरी कम से कम फोन तो उठाता है जनता का, क्या समाधान है क्या नहीं है, किसी की आईडी जोड़ना है, किसी के फॉर्म भरे हैं भरे होना है, मुझसे मैं बोल रहा था, मुझसे कहता मुझे बदलवा देने के लिए आओ, मुझे छोड़ने के लिए। आपने अधिकारियों को अवगत भी कराया है? अभी इसकी अभी तक नहीं बात करी, कोई कहता मैं सीओ साहब को सुबह मैंने 10:30 बजे फोन लगाया कि सीओ साहब मेरा साइकिल 3 दिन से फोन नहीं उठा रहा, मेरी पंचायत का विकास कैसा होगा, मेरी गाँव की जनता परेशान है। अच्छा, और आपसे आप अभी बोल रहे थे कि मुझे लेने आओ छोड़ने आओ, कहाँ से लेने आओ क्या छोड़ने आओ? 20 किलोमीटर दूर से आप जिसके लिए लेने जाऊंगा और छोड़ने जाऊंगा, अब मैं जनप्रतिनिधि हूँ कि जो जनप्रतिनिधि है ये भी सही बात है, लेकिन आप देख सकते हैं
सरपंच साहब से बोलता है सेक्रेटरी कि मुझे लेने आओ और छोड़ने आओ। भैया तो मैं मेरे हिसाब से काम करूंगा। अच्छा ये बोलकर क्या करोगे आप? जनता नंबर मांगती, जनता जनता का फोन तो उठाते हैं कम से कम। जब मेरा ही फोन नहीं उठा रहा तो मेरे जनता को साहब मेरे नहीं उठा रहा, तुम तो पांच उठाया। और अभी हम आप कुछ महिलाओं से बात की, उनके कोई फॉर्म वॉर्म भरे नहीं हुए? फार्म भरे नहीं हो। एक व्यक्ति राजमल आदिवासी है, तालाब में डूब कर उसकी मृत्यु हो चुकी 3 तारीख की। तो उसका बच्चा फोन लगाता है, फोन नहीं उठाता। मैंने सेक्रेटरी साहब से बोल दी इसको कुछ राशि दिला दें अपन, तो मतलब कुछ नहीं कहता, देख लेंगे करा देंगे, नेक्स्ट सवार करो दे देंगे, जी बोलता है। और गांव वाले जी भी कह रहे थे कि हम कुछ तो उन्हें जानते भी नहीं, हमने शकल भी नहीं देखी, एक दो लोग जानते हैं। वो बोल रहे कुछ खर्चा पानी लगेगा। जी खर्चा पानी वाली क्या बात है जी? जब बात मैं नहीं कह सकता, वो व्यक्ति जाने किसने बात की, खर्चा पानी ले रहा है कि नहीं, जी मैं नहीं कह सकता। और आपने अधिकारियों को शिकायत दर्ज या कराई कहीं एसडीएम या तहसीलदार या कलेक्टर साहब को देखा? नहीं नहीं, पहले मैंने जब हमारी पंचायत सेक्रेटरी में था जब की थी शिकायत, मतलब सीओ साहब के पास की थी, कलेक्टर साहब के पास की थी, जिला सीओ पास की थी। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आपको अधिकारियों के पास आवेदन देना चाहिए, आप जनता ही बोल रहे हैं। मंगलवार के लिए जनसुनवाई में मतलब सारे व्यक्ति भर के ले जाऊंगा, मैं शिकायत करूंगा। ऐसे सेक्रेटरी से मेरी कैसे पास पड़ेगी तुम बताइए? जनता मेरी पंचायत की अगर परेशान है, मुझे तो जनता ने चुना है जनप्रति, लेकिन जे दो मतलब इसकी मनमानी चलेगी। मेरा भी फोन नहीं उठाया, क्या करोगे? मैंने सीओ साहब को मतलब बात की कि सीओ साहब मेरा फोन नहीं उठाया।